बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर से नाइन्थ टेंथ के लिए भी टॉपिक है, सेकंड ईयर के लिए भी एक कंबाइंड टॉपिक है, होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है भाई? होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन आर नियरली मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट। वी कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के माहौल को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। देखिए, इसका मैं आपके लिए एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ, आसान सा। दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विद अस, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे दो किस्म के माहौल होते हैं। The one we call the external environment. दूसरा है internal environment, ठीक है। The next one is the internal environment. External environment means हमारे बाहर इर्द गिर्द जो है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। जैसा कि मैं हूँ, ये क्लासरूम है, एयर है, सनलाइट है, पौधे हैं, पानी है, ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसा कि मेरे जिस्म में ब्लड है, फ्लूइड्स है, गैसेस है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स है, ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर आती है एयर है, सनलाइट है, बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इंटरनल एनवायरनमेंट में मिसाल के तौर पे इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी आती है ब्लड, ठीक है। इस अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी है, टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये है हमारा ब्लड। ब्लड हमारा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको तो पता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट। दोनों में फर्क है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो सकती है, ये आप समझ लें, ठीक है। सो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो गया और यहाँ से टेम्परेचर 37 से मिसाल के तौर पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया। गर्मी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा गर्म है, तो इस गर्म माहौल की वजह से हमारी अंदर की माहौल में भी चेंजेस आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे 39 भी गया और हमारा बॉडी में तो एंजाइम 37 पे प्रॉपर वर्किंग करती है। सो इस 39 को वापस 37 पे लाना है या इस 37 को मेंटेन रखना है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इस एबिलिटी को हम कहते हैं। सो हाउ दे कैन डू दिस। इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी से होगी स्वीटिंग या परस्पायरेशन भी हम कह सकते हैं इसको, परस्पायरेशन या स्वीटिंग। सो वाटर लॉस होगी, मींस दैट इवापोरेशन होगी विच causes cooling, इसकी वजह से कूलिंग होगी। इस कूलिंग की वजह से ये ब्लड वापस कूल होके 37 पे आ जाएगी। सो एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन हो गया। दिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट वी कॉल द होम्योस्टेसिस। या मिसाल के तौर पे बाहर के माहौल में सर्दी है, विंटर है, ठीक है। सो बाहर का माहौल मिसाल के तौर पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इस 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो गया, ये 35 पे आ गया। फिर हमारी बॉडी में होगी शिवरिंग,
ऑटोमेटिकली शिवरिंग। सो शिवरिंग की वजह से बॉडी कपकपाहट में आ जाएगी, लर्ज ना आ जाएगी बॉडी में। सो मसल यूज होगी, एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट रिलीज होगी और वो हीट वापस 35 को 37 पे ये बॉडी टेम्परेचर को ले जाएगी। इस मेंटेनेंस को हम कहते हैं, इस ब्लड के बॉडी, इस ब्लड के टेम्परेचर के मेंटेनेंस को हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। या मिसाल के तौर पे ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, सो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। ज्यादा ब्लड प्रेशर तो कोई अच्छी अलामत नहीं है, मे बी इट कॉजेस हार्ट अटैक या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है यार। सो हमारी किडनी इस बॉडी, इस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती है और अंदर जो ब्लड की नॉर्मल फ्लूइड लेवल है इसको मेंटेन करती है, इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। या मिसाल के तौर पे ब्लड में बॉडी का वाटर का लेवल डाउन हो गया, सो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ब्रेन को और अदर बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स कम प्रोवाइड होंगे, इसको कम ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, तो मसला ही मसला है। सो फिर हमारे जिस्म में ऐसा होगी कि थर्स्ट रिसेप्टर है जो थर्स्ट सेंटर है ब्रेन में, स्टिमुलेट होगी, हमें पानी पीने का एहसास हो जाएगा। अगर हम पानी पी ली तो वापस ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होगा, इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। अगर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है तो हम इसको फिर कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। सो थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। जब बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मींस द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक वाटर इन सॉल्यूट लेवल इन द बॉडी कांस्टेंट, वी कॉल ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में वाटर का एक अपना लेवल है, सॉल्यूट का एक अपना लेवल। सॉल्यूट मीन्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सॉल्यूट्स हैं। इसका ब्लड में एक अपना लेवल है, अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन करना, इस बॉडी फ्लूइड्स की, इस वाटर के लेवल को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। सो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस सॉल्यूट लेवल कांस्टेंट वी कॉल द ऑस्मो रेगुलेशन। इंशाल्लाह इस ऑस्मो रेगुलेशन पे और थर्मो रेगुलेशन पे डिटेल में हम लेक्चर देंगे कि थर्मो रेगुलेशन कैसी होगी और ऑस्मो रेगुलेशन कैसी होगी, प्लांट्स में कैसी होंगी, एनिमल्स में कैसी होंगी। लेकिन ये एक इंट्रो क्लास था हेमोस्टेसिस का और मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपको हेमोस्टेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो हेमोस्टेसिस का सिंपल कंसेप्ट ये है कि हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है बस। अगर टेम्परेचर है तो इसको भी मेंटेन रखना है, सॉल्यूट का लेवल है तो इसको भी मेंटेन रखना है, वाटर का लेवल है तो इसको भी मेंटेन रखना है। दिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट या कंडीशन कांस्टेंट वी कॉल द होम्योस्टेसिस। देखिए हमारा बॉडी ऑटोमेटिक है, जैसे कि आप इस्त्री को स्विच में लगा के जब ये गर्म नहीं होती तक वो लाइट जलता है, जब आयरन गर्म होगी तो आयरन लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, फिर जब कूल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर हमारी ब्लड का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, मिसाल के तौर पे मैं क्लासरूम से बाहर निकल गया और बाहर गर्मी के मौसम में मैं सूरज के नीचे बैठ गया, तो वाकई गर्मी ज़्यादा होगी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे एक्सेप्ट हो सकती है। सो 37 से जाके 39 तक टेम्परेचर रुकेगी या इससे भी आगे जा सकती है। सो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म से पसीने के आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब वापस मैं कमरे में आ जाओ, पंखे के नीचे बैठ जाओ या कोई साए में बैठ जाओ, तो वापस ऑटोमेटिकली हमारी स्वीटिंग स्टॉप हो जाती है। जब हमको सर्दी लगती है तो ऑटोमेटिकली हम पे शिवरिंग आती है। जब हमारी सर्दी वापस ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। जब हमारी जिस्म में पानी का कमी हो, सॉल्यूट का कमी हो या किसी भी चीज़ का कमी हो, मिसाल के तौर पे वाटर का कमी है, तो हमारे थर्स्ट सेंटर हमें मैसेज देती है, हमें स्टिमुलेट करती है, हमें पानी पीने का एहसास होता है। जब हमारी जिस्म में सॉल्यूट का डिफिशेंसी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म में
जो कि हंगर वाला पॉइंट है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, वहाँ वो हमें भूख की हसासियत देती है, कुछ खाने की हसासियत देती है। सो इसी तरीके से फिर हम सल्यूट लेते हैं और बॉडी में उसका अमाउंट पूरा करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे जिस्म में जिस किसी भी चीज़ की कमी हो तो उसकी हमें हसासियत होती है। पानी की कमी हो गई तो हमें प्यास लगेगी, सल्यूट की कमी अगर ब्लड में हुई तो हमें भूख लगेगी, ज़्यादा हुई तो हमें यूरिनेशन का डिज़ायर हो जाएगा। सो इस किस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, मेंटेन रखना, दिस इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस होंगे आस्मो रेगुलेशन पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में आस्मो रेगुलेशन कैसी होगी, फ्रेश वाटर में कैसी होगी, मेरीन वाटर में कैसी होगी, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसी होगी, सब इंशाल्लाह बताएंगे। इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम किडनी भी डिटेल से बताएंगे, किडनी क्या है और इसके रिलेटेड ऑर्गन भी बताएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।